अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल क्लास 12 का लास्ट का पेपर है वो है फिजिक्स, राइट? तो उसके बाद वो प्रैक्टिकल्स वगैरह आप छोड़ दो। तो अभी हम बात करेंगे, जो आपका थ्योरी का एग्जाम है वो लास्ट का पेपर है कल, तो उसी के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, बिकॉज ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आप सबके लिए। देखो, पहली बात अगर मैं बताऊँ, आपका लास्ट पेपर है। देखो, अभी तक आपने बहुत, मैं स्ट्रगल ही कहूँगा, ठीक है, अभी तक जितने भी पेपर्स दिए, मतलब वो रात भर तक जागना या कोई सुबह सवेरे उठता था, तो अब लास्ट का पेपर है आपका। लेकिन एक चीज़ ये भी दिमाग में रखनी है हमें कि जो अब 12th का लास्ट का पेपर है, इसके बाद हमारी असली लाइफ स्टार्ट होती है। 12th के बाद हमें पूरा फोकस करना पड़ता है अपने करियर पे, मतलब हम कैसे सेटल हो जाएंगे, उसके बारे में हमारे दिमाग में ख्यालात आने स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज़ किसी का टारगेट नीट होता है, किसी का टारगेट जेईई मेंस होता है, उसी के रिगार्डिंग हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अब हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा या हम कहां पे बीटेक करें, कहां पे एमबीबीएस करें। तो ये चीज दिमाग में रखना, जैसे ही मेरा फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इट्स नॉट लाइक कि अब मैं आजाद हूं, ठीक है। तो अब से हमें सोचना है कि मुझे क्या करना है अपने करियर के रिलेटेड, ठीक है। अभी तक जेके बोस, मैं ये बताऊंगा कि इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट। तो ये मैं बताना चाहूँ, अगर आपको रेस्ट लेना भी है तो कल का दिन आप रेस्ट ले सकते हो, जैसे आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद जिसका नीट 2023 का टारगेट है, तो उसके पास उसके बाद 40 दिन बचते हैं, तो उन 40 डेज को वो अच्छे से मेहरबानी करके यूटिलाइज करें। और जिसका भी जो भी टारगेट हो नीट 2024 का, तो वो परसों से ही पढ़ना स्टार्ट करें। बिकॉज देखो, जितनी आप टाइम को अहमियत दोगे, उतना ही ज्यादा आपको कल को बेनिफिट पहुंचेगा। तो ये बात मुझे कहनी थी जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात ये भी मैं बताना चाहूँ, जहां तक मुझे लगता है, जो मैंने आज तक के पेपर्स भी देखे, फिजिक्स में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस रिपीट हो, ठीक है। अब कोई ऐसा नहीं करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही याद करके जाए, नहीं, मैं बस ये बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है फिजिक्स में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस रिपीट हो। एंड आई होप कि आपने सारी डेरिवेशंस अच्छे से प्रैक्टिस करी होंगी। और साथ ही साथ ये भी दिमाग में रखना, लास्ट टाइम बता रहा हूं आप क्लास 12th के बच्चों को, कि जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर में जाए, कुछ भी डिस्कस नहीं करना, बिकॉज फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर एक ही स्टेप भूल गया तो सारी डेरिवेशंस खत्म, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना, कुछ भी डिस्कस नहीं करना हमें, जो आपने पढ़ के रखा है वो अपने दिमाग में ही स्टोर करके रखो, ठीक है, नो नीड टू शेयर विद एनीवन। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाए, तो वो दुआएं वगैरह जो मैंने बताई है आपको, रब्बी नी मगलूबुन फंतसिर, राइट, और रब्बी शाहली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़वली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये दुआएं जैसे आप पढ़ोगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। तो उसके बाद क्या हमें करना है, जैसे ही पेपर आए, हमें अच्छे से पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और मेन चीज ये दिमाग में रखना, जिन क्वेश्चंस में और होगा, तो उनमें हमें पहले ही डिसाइड करना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। बिकॉज एट द एंड कोई क्या करता है, वो एक डेरिवेशन लिखता है, डेरिवेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो काट देता है, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट और वाला पार्ट होता है वो करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए मेहरबानी करके पहले ही डिसाइड करके रखना कि मुझे और पार्ट्स में कौन से वाले क्वेश्चंस करने हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूं, अब कल लास्ट का पेपर है, तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिख के जाओगे अपने से, तो वो भी करना, सच में नहीं करना, मैं ये बस बता रहा हूं, जो भी बड़ा से आपकी वो निकाल देना कल के पेपर में, ठीक है। कोई गाली वाली नहीं मारना, कोई गाने वाने, कोई शाल दलील नहीं लिखनी हमें, कल फिजिक्स का पेपर है, इंशाल्लाह आप सब कामयाब हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना, अगर थोड़ा सा भी पता है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, छाप देना कुछ भी, ठीक है, तो उसके मार्क्स तो एटलीस्ट मिलेंगे। ये नहीं कि अंडा देगा वो, जीरो देगा तो वो नहीं देगा वो। तो हमें क्या करना है, अच्छे से अभी पढ़ाई करनी है, आज की रात है, अच्छे से पढ़ाई करो और दुआएं करो अल्लाह ताला से। आज तो सहरी के टाइम भी उठोगे, राइट, और दुआएं करो अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह सारी दुआएं कबूल होंगी, इंशाल्लाह वही उम्मीद भी है। मेरी दुआ यही है कि हम सबको कामयाब करे हमारे नेक मकसद में, हमेशा जो भी हमारे नेक मकसद होंगे उनमें हमें कामयाब करे हमारा रब। एंड आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि कमेंट्स में जरूर बताना, जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं, कि आपकी जर्नी मेरे साथ इस टाइम पीरियड में कैसी रही। बिकॉज मैं खुद से भी देखना चाहता हूँ कि कितनी हेल्प हुई है और किन बच्चों की हेल्प हुई है मेरी वजह से। तो उसमें भी शुक्र पढ़ना चाहता हूँ मैं कि मेरी वजह से किसी चाहे एक ही बच्चे की हेल्प हुई हो तो वही मेरे लिए काफी है। सो बाकी इंशाल्लाह ऐसी जर्नी चलती रहेगी हमारी, इंशाल्लाह। आई होप कि आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस, शेयर करो हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।